बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस कोर्स में हम बहुत सी गाइडेड ऑडियोज़ इस्तेमाल करेंगे। मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके आपको गाइडेड ऑडियोज़ दूंगा, जिसको आपने सिर्फ़ सुनना होगा और उसको सुन के जो मैं ऑडियो में बता रहा हूँ उसको आपने फॉलो करना होगा। इसको गाइडेड मेडिटेशन भी कहते हैं या हिप्नोथेरेपी ऑडियो भी कहते हैं। इसके बहुत से मकासद होते हैं, हम इसको यूज़ करेंगे कोर्स में। एक तो कोर्स में जैसे जैसे कोर्स में आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ वो कैसे अपने अंदर लेकर आनी है, वो उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी आपकी ज़ात के अंदर, एक तो इन ऑडियो से हम ये फ़ायदा उठाएंगे कि वो चीज़ें आपके लिए करना आसान हो जाएंगी, आपको उसका तरीका समझ आ जाएगा कैसे करना है। और फिर ये कि बहुत से मसाइल होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो हम अपने सेल्फ हेल्प फेज़ में स्टार्टिंग में एड्रेस कर रहे हैं कि अपने मसाइल को माइंड साइंसेस की एक्सरसाइजेस के ज़रिए कैसे सॉल्व करना है, तो इनके ऊपर भी मैं आपको मुख्तलिफ गाइडेड ऑडियोस दूंगा कि आपने ये सुनते चले जाना है और अपने मसाइल हल करते चले जाना है। मिसाल के तौर पर एनजाइटी है तो एनजाइटी को कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर एक गाइडेड ऑडियो, डिप्रेशन को कैसे ख़त्म करना है इसके ऊपर गाइडेड ऑडियो। ये जितनी ऑडियोज़ मैं आपको दूंगा ना, इसमें इनकी ख़ास बातें क्या हैं, एक तो ये प्लेन लैंग्वेज में आपको गाइड कर रही हैं कि आपने कौन सा कोई काम कैसे करना है। नंबर टू, मैंने इनमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की हैं जो आपको डीप ट्रांस में लेके जाएंगी, यानी कि हिप्नोथेरेपी की टेक्निक्स मैंने इसमें यूज़ की हैं कि कैसे आपके जहन से नफसियाती तरीके के ज़रिए आपके लाशऊर से कुछ गिरे हम खोलेंगे ताकि आपके मसले हल हो जाएं। नंबर थ्री, कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस होता है, उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं कि किस तरीके से, किस लैंग्वेज फॉर्मेट में, किस पॉज के साथ, किस अंदाज से बात की जाए कि वो सीधा आपके अंदर उतर जाए। मैंने ये भी चीज़ इसके अंदर प्रोग्राम की हुई है कि वो चीज़ आपको हेल्प करेगी कि सीधा आपके अंदर लाशऊर के ज़रिए आपको एक्सरसाइज करवाएगी और वो बहुत आराम से आपके मसाइल जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट खूबसूरत बात यह है कि मैंने इस अपनी ऑडियोज़ के साथ ये स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग मैंने कर दी है कि जो भी मेरी ये ऑडियो सुनेगा उसको मेरी आवाज़ की तासीर और जो मैं अंदर से जो मेरी ख्वाहिश है और जो मेरा मिशन है कि अंदर से आपके लिए चेंज लेकर आना, आपको अंदर से तब्दील करना और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ज़ात को डिवेलप करना, जैसे जैसे आप मेरी आवाज़ सुनेंगे जो मेरा मिशन है वो एग्जैक्टली फॉलो होता जाएगा और आपके अंदर से वो चेंज पॉजिटिवली आती जाएगी। इसको स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग कह लें या इसको स्पेशल अट्यूनमेंट कह लें कि मैंने आपको ये अट्यूनमेंट दे दी है कि आप मेरी आवाज़ सुनेंगे और उसके ज़रिए एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ होने लगी है हमारी गाइडेड ऑडियोज़ की, जिसमें आपको स्पिरिचुअल अट्यूनमेंट भी मिलेगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर शामिल है, हिप्नोथेरेपी टेक्निक्स भी शामिल है इसमें, कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस की टेक्निक्स भी शामिल हैं और गाइडेड मेडिटेशन यानी एक तरीका भी बयान किया गया बहुत खूबसूरती के साथ। तो ये एक्सरसाइजेज आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कोर्स में फ़ायदा देंगी, लेकिन इनके लिए कुछ मैं आपको गाइडलाइंस देना चाहता हूँ। नंबर वन ये कि इसको आपने अच्छे तरीके से सुनना है और इस यकीन के साथ आपने इन ऑडियोज़ को सुन के फॉलो करना है कि ये आपको बहुत आराम से ले जाएंगी और आपका मसला हल कर देंगी। यकीन ज़रूरी है, बिलीफ ज़रूरी है। नंबर टू, आपने हमेशा इन ऑडियोज़ को इस्तेमाल नहीं करना, इन ऑडियोज़ को इस्तेमाल करके सुन के थीम समझ लेना है कि मैं किस तरह आपको एक्सरसाइज करके किस तरह मसले से निकाल रहा हूँ और उसके बाद आपने बग़ैर इस ऑडियो के वो एक्सरसाइजेस खुद करनी होंगी। असल चेंज आपके अंदर तब आएगी जब आप खुद बग़ैर इस ऑडियो के वो एक्सरसाइज करेंगे जो मैंने इसमें करना सिखाई होगी आपको। जब आप खुद से करेंगे और आपका अपना जहन चलेगा तो असल फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में वो तब आएगा। और इस इन ऑडियोज़ को आप, बेहतरीन तरीका तो ये होगा कि आप इनको हैंड फ्री लगाकर, आराम से टेक लगाकर या लेटकर ऑडियो की सूरत में आप इनको सुनते रहें, या दूसरा तरीका इसका ये होगा कि आप जब जहाँ बैठे हैं महफिल में, ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी तरह आप खुली आंखों से भी उसको प्ले करके मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। सिर्फ आपने अपना जहन मुझे देना होगा कि आप अपना जहन मुझे दे दें और जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करते चले जाएं, तो आपको इसका फ़ायदा फिर भी होना शुरू हो जाएगा, चाहे आप इसको खुली आंखों से करें, चाहे आप इसको बंद आंखों से एक्सरसाइज करें।
खुली आंखों से एक्सरसाइज करने की और तासीर होती है, बंद आंखों से करने की और तासीर होती है। तो मैं आपको ये कहूँगा कभी आप इसको खुली आंखों से भी एक्सरसाइज करें, कभी आप इसको प्रॉपर बंद आंखों से टेक लगा के अहतमाम से भी एक्सरसाइज करें, और कभी आप इस ऑडियो के साथ एक्सरसाइज करें, और कभी इस ऑडियो के बगैर ख़ुद से एक्सरसाइज करें। इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ होने लगी हमारी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।